हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सिमेट्रिक के। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्रिक फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम हैव पॉइंट सिमेट्रिक, ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक। सो बोल रहा है कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करना है हर फिगर के। कुछ फिगर्स दिए हुए इधर और उसका पॉइंट सिमेट्रिक भी अपन को फाइंड करना है और उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल भी फाइंड करना है। सो अपन एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट अपन रेक्टेंगल का लाइन सिमेट्रिक देखेंगे। लाइन सिमेट्रिक क्या होता है, जब अपन एग्जैक्टली मैं इसको हाफ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सेम मुझे जो भी ऊपर है वही नीचे आएगा। सो देखिए एग्जैक्टली मैं अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली जो भी ऊपर वाला पार्ट है नीचे भी सेम वही पार्ट रहेगा। देखिए अगर एक रेक्टेंगल, मैंने एक पेपर लिया रेक्टेंगल का और इसको मैं जो भी लाइन ड्रॉ किया ना, एग्जैक्टली मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करके मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करूँगा। सो देखिए आप, जब मैं इसको फोल्ड करूँगा लाइन के थ्रू, सो एग्जैक्टली सेम कोइंसाइड होता है। जो सेम मुझे इधर साइड में आ रहा वो भी इधर भी सेम आएगा। ओके, सो हाफ हाफ एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन बोलते ना, सो रिफ्लेक्शन की तरह दिखता है। सो ये क्या है, वन लाइन ऑफ सिमेट्रिक। और भी कुछ लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनता है क्या देखेंगे। अगर मैंने वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया तो मेरे को एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन जाएगा। फिर से देखिए सेम पेपर को मैंने एक वर्टिकली ड्रॉ करूँगा, सो मेरे को एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक फिर से एग्जैक्टली हाफ का बन गया। सो इसमें क्या है, टू लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। जब आप डायगनल में जाएंगे, डायगनल में गएंगे तो आपको डायगनल नहीं बनता। ओके, सो देखिए मैंने आपको दिखा दूंगा एक बार डायगनल क्यों नहीं बनता। सो देखिए जब मैं डायगनल के थ्रू बनाया इसको, ये डायगनल है ना, सो इसको मैं डायगनल के एक लाइन बना के बनाऊंगा, सो मेरे को एग्जैक्टली हाफ नहीं बनेगा क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। सो ये भी एक इसका एक्स्ट्रा पार्ट हो जा रहा, सो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा। तो उसके लिए इसको ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, सो टू लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। और पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम हैव पॉइंट सिमेट्रिक। सो पॉइंट सिमेट्रिक क्या है, जब अपन 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे उसका फिगर सेम आना है। ओके, सो देखेंगे अगर मैंने सेम ये ट्राइंगल मैंने सेम इस पर ये लगा के और मैं एक पॉइंट पे इसको घुमा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे घुमाऊंगा। सो देखिए एग्जैक्टली आपको 90 डिग्री पे क्या होता है, वर्टिकल हो जाएगा, फिर 180 डिग्री पे सेम एज इट इज आपको ट्रायंगल आ जाएगा। ओके, सो 180 डिग्री पे एग्जैक्टली आपको ट्रायंगल आ जाएगा। सो आपको पॉइंट सिमेट्रिक है या नहीं बोलते, पॉइंट सिमेट्रिक है। सो इट हैज़ पॉइंट सिमेट्रिक ऑल्सो, इट हैज़ पॉइंट सिमेट्रिक। इट हैज़ पॉइंट सिमेट्री। और पूछ रहा है क्या, ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक मीन्स क्या है, जब आपका इनिशियल फिगर आप कंप्लीटली 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे सो कितने बार आपको एग्जैक्ट फिगर आ रहा है। ओके, सो देखिए जब मैं इस फिगर को एक पॉइंट के थ्रू रोटेट करूँगा, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पर तो मुझे रेक्टेंगल नहीं आ रहा, सेम एस्टिस जो इनिशियल पे था 180 डिग्री पर एक बार हो गया, देखिए 180 डिग्री पे मेरे को एक बार आ रहा है। ओके, द सेम वे मैं 270 पे जाऊंगा, तो 270 पे भी फिर से मेरे को वर्टिकली आएगा, जब मैं फिर से 360 डिग्री पे घुमाऊंगा जब मेरे को फिर से एक ट्रायंगल आएगा। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का कितना है, दो बार, जब मैं कंप्लीट 360 डिग्री करूँगा सो मेरे को दो बार सेम फिगर आ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इज व्हाट, टू टाइम्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ओ एफ आर रोल के लिए।
सो इसका टू लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, इसको पॉइंट सिमेट्रिक भी है, इसको टू टाइम्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक है। ओके सो ऐसे ही अपन हर किसी का देखना है। सो देखिए एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का देखिए इसको जब आप ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, जब मैं इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा सो मेरे को एग्जैक्टली सेम आएगा, और इधर से भी मैं करूँगा तो मेरे को सेम फिगर आएगा इधर जो है इधर, और एग्जैक्टली मेरे को इधर भी एक फिगर आएगा। ओके सो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इसके थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन रहे हैं, मेरे को थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड मैंने एक ट्रायंगल लिया सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैंने फर्स्ट इसका जो भी वर्टिक्स है मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करूंगा सो एग्जैक्टली आपको सेम आएगा। ओके द सेम वे अगर मैं हर एक वर्टिसेस से भी इसको ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करके मैं फोल्ड करूंगा तो इधर भी मुझे सेम आएगा। ओके और ये भी एक वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सो इधर से भी मैं जब करूंगा मेरे को इधर से भी एक आएगा। सो थ्री तीन ही पॉसिबल केसेस है और कुछ पॉसिबल केस नहीं है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स है, और एक अपन को नेक्स्ट वाला क्या पॉइंट सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है। पॉइंट सिमेट्रिक में देखिए एक ट्रायंगल है, इसको मैं एक पॉइंट पर रोटेट करूंगा, जब 180 डिग्री पे अपन को पॉइंट सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा देखेंगे। ये 180 डिग्री पे ये वन एक्चुअली देखिए मैं तो ए इधर लगाया, जब ए मेरा इधर आएगा सेम एस्टिस होना चाहिए। सो देखिए इधर सो इसके इंडिकेट में अपन को 180 डिग्री पहचानना है। सो जब देखिए आप मैं 180 डिग्री पे इधर से मेरा ए इधर आएगा तब मेरे को पॉइंट सिमेट्रिक नहीं आ रहा। ओके सो ये पॉइंट सिमेट्रिक नहीं होता, नो पॉइंट सिमेट्रिक बोल के लिखना है क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा। और थर्ड वाला केस देखिए बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोल रहा ना, सो इसको मैं इंडिकेट ए कह रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट एक पॉइंट पे घुमाऊंगा मेरे को एक बार आ गया इधर, और जब मैं और घुमाऊंगा तो फिर से दो बार हो गया ए, फिर फाइनली मेरे को हर एक बार भी आएगा। तो टोटली थ्री टाइम्स दैट इज थ्री ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितना है थ्री टाइम्स है। और स्क्वायर में देखिए स्क्वायर में आप फोर साइड्स आपको फोर लाइंस इधर से भी हाफ आएगा, इधर से भी हाफ आएगा, और आपको इधर से भी हाफ आएगा और इधर से भी हाफ आएगा। सो आपको फोर लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स होता, फोर फोर लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता। ओके सो पॉइंट तो अपन देखेंगे, सो इसको देखेंगे अपन कुछ पॉइंट सिमेट्रिक बन रहा है क्या। इसको पॉइंट सिमेट्रिक जब अपन को 180 डिग्री पे घुमाएंगे सो अपने को हर 90 डिग्री पे सेम स्क्वायर आता है। सो टोटल ऑब्वियसली इसमें 180 डिग्री पे भी अपन को स्क्वायर आ रहा है। सो पॉइंट इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक बोल के लिखना है, इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक। ओके और नेक्स्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक। सो देखिए जब मैंने एक बार 90 डिग्री पे घुमाऊंगा इसको सो मेरे को फिर भी स्क्वायर ही आ रहा है, फिर अभी मैं 90 पे घुमाऊंगा फिर स्क्वायर ही आएगा, फिर 90 पे घुमाऊंगा फिर स्क्वायर ही आएगा, फिर 90 पे घुमाऊंगा फिर मेरे को स्क्वायर ही आएगा। सो फोर टाइम्स फोर ऑर्डर ऑफ फैक्टर इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इज व्हाट फोर फॉर स्क्वायर। अब इसी तरह अपन पेंटागोन हेक्सागोन का भी देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जब अपन पेंटागोन में इसको पेंटागोन बोलते हैं, जब आप पेंटागोन को मेरे पास एक पेंटागोन का शेप है। ओके सो मैं पेंटागोन को क्या करूँगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने इसको एक ड्रॉ करूँगा, मैं इस लाइन को इस पॉटी से मैंने ड्रॉ करके
मैं देखूंगा कि आ रहा नहीं आ रहा। सो देखिए मेरे को एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन गया। ओके, इन द सेम वे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से भी, सी पॉइंट से भी मैंने एक ड्रॉ करूंगा और डी पॉइंट से भी मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, और बी पॉइंट से भी, सो देखिए इसमें पेंटागन में जब मैंने एक एक पॉइंट से ड्रॉ किया हूँ, फिर मैंने बी पॉइंट से भी ड्रॉ करूँगा, फिर देखिए मेरे को एक एग्जैक्टली हाफ आ रहा। ओके, और देखिए मैंने इसके, मैं इसके थ्रू भी एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। सो मेरे को और एक एक भी एग्जैक्टली आ रहा है। सो ऐसा मेरे को फाइव लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाते, फाइव लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक होते, फाइव लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता और इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक और नॉट। पॉइंट सिमेट्रिक के लिए सो देखिए मैंने एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो जब इसको मैं 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो मेरे को एग्जैक्टली ये जो भी ए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अंदर, उसको मेरे को नीचे एग्जैक्टली इधर ए पे आना है और ये सेम आना है। सो देखिए जब मैं इसको घुमाऊंगा, सो देखिए ए तो नीचे आया है बट इसका शेप देखिए आप, सेम एस्टिस नहीं आया। ओके, सो दोनों मैच होना चाहिए, पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे। सो ये बाहर जा रहा है, सो इसी के कारण ये नो पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं, नो पॉइंट सिमेट्रिक। और इसको देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितने हैं देखेंगे। जब मैं इस पॉइंट को रोटेट करूंगा, सो मैं फर्स्ट इसको एक बार रोटेट करूंगा, सो मेरे को देखिए इधर फर्स्ट वाला फर्स्ट टाइम पे आ गया ए, उसके लिए मैं इंडिकेट करा ए अंदर वन टाइम, दिस इज व्हेन टू टाइम्स और ये थ्री टाइम्स, और जब मैं ये रोटेट करूँगा फोर टाइम्स आएगा और ऐसे मैंने रोटेट करूँगा तो फाइव टाइम्स। सो टोटल मुझे फाइव टाइम्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ओके, ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइव टाइम्स आ रहा है मुझे। द सेम वे हेक्सागन है, मैं हेक्सागन को भी आपको देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली सेंटर से, दोनों भी सेम है हाफ हाफ। सो देखिए जब मैं इसके थ्रू से जब मैं कट करूंगा, मेरे को एग्जैक्टली हाफ आएगा। सो हाफ आएगा और मैं अगर इस पॉइंट से मैं कट करूंगा, सो और एक मेरे को ऐसा भी एक आ जाएगा। जब मैं एक ऐसा हॉरिजॉन्टली एक ड्रॉ करूंगा, ओके, सो वन टू थ्री फोर, अभी मैं जब इसको एग्जैक्टली ऐसा हाफ कट करूंगा और इधर भी मैं एग्जैक्टली इसको हाफ कट करूंगा, सो टोटल मुझे सिक्स आएंगे। सो सिक्स लाइन सिमेट्रिक है और इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक और नॉट देखना है। सो देखिए मैंने एक हेक्सागन बनाया हूँ, जब 180 डिग्री पर रोटेट करूँगा सो मुझे आना चाहिए। सो 180 डिग्री पर जब मैं रोटेट करूँगा, देखिए 180 डिग्री पर रोटेट करने पे मुझे एग्जैक्टली
एक पॉइंट सिमेट्रिक बना. सो इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं. इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक सो देखिए जब मैं एक पॉइंट से घुमाऊंगा इसको. सो फर्स्ट मुझे आ गया फर्स्ट पेज और सेकेंड ऐसे टोटल मुझे सिक्स टाइम्स हर वर्टिसेस पे मिलेगा. तो टोटल सिक्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोल के लिख सकते हैं. सिक्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन और भी कुछ फिगर्स है अपन. सो इसमें देखिए सेवन लाइंस कैसा होता है. फर्स्ट मैं इसको एग्जैक्टली हाफ से कर दूंगा. सो ये भी एक पॉइंट सिमेट्रिक हो जाएगा. और एक एक ऐसा एक पॉइंट से करूंगा और इस पॉइंट से करूंगा और इस पॉइंट से करूंगा. ओके सो मैं हर एक ऐसा भी कट करूंगा और ये भी एक पॉइंट सिमेट्रिक बनेगा. तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हुआ है. सो वन मोर ऐसा ही काटूंगा. सो सेवन. सो टोटल सेवन पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक है इसके. ओके सो लाइन ऑफ सिमेट्रिक कितने हैं. सेवन लाइन ऑफ सिमेट्रिक है इसके. सेवन लाइन ऑफ सिमेट्रिक है. देखिए मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ किया. हेप्टागन इसको हेप्टागन बोलते हैं अपन. हेप्टागन ओके मैंने एक हेप्टागन ड्रॉ किया हूँ. अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं रोटेट करूँगा. सी देखिए मैं ये 180 डिग्री को मैं कुछ इंडिकेट कर ले लूँगा. 180 डिग्री पे एग्जैक्टली मेरे को सेम उधर ही आना चाहिए. सो जब मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा देखिए मेरे को फिगर सेम नहीं आ रहा. सो देखिए आप फिगर सेम नहीं आ रहा. ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना. सो इट इज इट हैज नो पॉइंट सिमेट्रिक. नो पॉइंट सिमेट्रिक. और इसको देखिए कितने बार इसको हेप्टागोन को कितने बार अपन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक बना सकते हैं. देखिए एक बार हो गया वन और ये टू ये थ्री ये फोर. सो टोटल अपने को सेवन टाइम्स आएंगे. फाइव सिक्स एंड सेवन. ओके सो टोटल सेवन टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन. ओके वैसे ही अपन ऑक्टागोन का भी देखेंगे. ऑक्टागोन का देखिए टोटल में मैं किधर से हाफ करूंगा तो ये आएगा. सो देखिए फ्रेंड्स इसमें एट अपने को लाइन ऑफ सिमेट्रिक से एट लाइन ऑफ सिमेट्रिक और इसको अपन ऑक्टागोन बोलते हैं. अपन इसको ऑक्टागोन बोलते हैं. देखेंगे इसको कुछ पॉइंट सिमेट्रिक है या नहीं है. जब अपन 180 डिग्री पे अपन इसको रोटेट करेंगे अपने को सेम एस्ट्रिस आना है. सो इसको अपन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एक इसको एक इंडिकेट करके. तो देखिए सेम एस्टिस. सो देखिए इधर 180 डिग्री पे आ गया है. सो सेम एस्टिस फिगर अपने को आ रहा है. सो इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक बोलने का मीनिंग. इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक. इट हैज पॉइंट सिमेट्रिक और इस फिगर को आप जब आप इस फिगर को रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक देखना है. अब मैं इस पॉइंट से एक बार घुमाऊंगा. तो देखिए वन टाइम टू टाइम्स थ्री टाइम्स. सो ऐसा ऑलमोस्ट अपने को एट टाइम्स आता है. ओके सो फोर इधर टोटल एट टाइम्स आता है. सो एट टाइम्स ऑर्डर ऑफ
रोटेशनल सिमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में जो भी अपन पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू सिमेट्रिक, पॉइंट सिमेट्रिक, रोटेशनल सिमेट्रिक और लाइन सिमेट्री। ओके, सो अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज अपन इधर को स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में और भी कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।